कैसी पता निकला, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर यह बहुत बड़ा दरवाजा बन जाएगा, फिर सुल्तान अंदर आसानी से आ जाएंगे। कौन है, कौन है, कौन है उधर, कौन है? अरे रुक जाओ, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। मुझे मत पिलाना सुल्तान, दरवाजा बना लेना सुल्तान, सुल्तान छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम आप ही बताइए मैं क्या करूं सुल्तान। कमबख्तों ने मेरे मकान में आग लगा दी, सुल्तान मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए। सुल्तान, लुटेरे सब कुछ लूट कर ले गए, मेरी बूढ़ी आंखों के सामने मेरे घर में घुसकर मेरे जवान बेटों को गोली मार गए। परवरदिगार, भेड़िए के सिवा कोई दरिंदा भी अपने हम जिन्स का लहू नहीं पीता। क्या इंसान भेड़िया हो गया है? पालने वाले, मुझे अपने बंदों की खिदमत की हिम्मत अता फरमा। सुल्तान, ये उस बच्चे की मां है जो दरवाजा बनाने की कोशिश में मारा गया। नहीं, वतन की राह में शहीद हुआ है। सुल्तान, वो नादान था, वो समझ बैठा इतनी बड़ी दीवार मैं अकेले ही गिरा दूंगा। आप मेरे अजीम सिपाही को बच्चा या नादान समझकर मामूली हैसियत का इंसान न साबित करें। वो अजीम इंसान था,
उसके इरादे और हौसले पर गौर करना चाहिए, उम्र पर नहीं। उसने कारनामा कर दिखाने की ठानी थी और कारनामा कर दिखाया। उसका निकाला हुआ दीवार से एक पत्थर हमारी फतह की पेशनगोई है, हमारी जीत का ऐलान है। सुंदर के अज़्म हौसले का एक एक बच्चा अगर हमारे मुल्क के हर एक गांव में पैदा हो जाए तो हिंदुस्तान की किस्मत बदल जाएगी। हम वतन की राह में शहीद होने वाले इस जांबाज सिपाही की रूह को सलाम पेश करते हैं। उसने अपनी बहन से कहा था कि मैं कामयाब हूं या नहीं, लेकिन दीवार गिराने की कोशिश जरूर करूंगा। इसके बाद तो उसकी अजमत और भी बढ़ जाती है। जो लोग ये समझकर कोई अच्छा काम करते हैं कि उन्हें कामयाबी मिले या ना मिले, वो ये भी जानते हैं कि अपने बाद वालों को रास्ता दिखा रहे हैं, अपनी जान देकर मकसद को जिंदगी अता कर रहे हैं। गाजी बाबा। ये सुल्तान, दीवार में ठीक उस जगह एक शानदार दरवाजा तामीर किया जाए जहां सुंदर ने दीवार से पत्थर निकाला था, और अगर वो पत्थर मिल सके तो दरवाजे की पेशानी पर सोने की चौखट में जड़वा दिया जाए। इंशाल्लाह। दरवाजे का नाम सुंदर दरवाजा रख दिया जाए और हमारे फौजी कानून के मुताबिक हमारे जांबाज सिपाही के मां के नाम जिंदगी भर के लिए तनख्वाह जारी कर दी जाए और उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया जाए। फरमाए। जरूर, हमें खुद इल्म का शौक है और हम तालीम को आम करने के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। हमने श्रीरंगापटना के अलावा मैसूर के दूर दराज इलाकों और छोटे छोटे शहरों में भी मदरसे और मकतब कायम किए हैं। आपको एक मदरसा चलाने की इजाजत देकर हमें बड़ी मसर्रत होगी। शुक्रिया। लेकिन ये बताइए फादर मैडॉक, इंग्लिस्तान से इतनी दूर सफर करके हिंदुस्तान में सिर्फ मदरसे कायम करने के लिए आए हैं? जी हाँ सुल्तान, यकीन कीजिए हिंदुस्तानियों का ये शक बजा नहीं है कि हम मदरसों के जरिए अंग्रेजों का असर और ईसाई मजहब फैलाना चाहते हैं। हम तो सिर्फ इल्म की खिदमत करना चाहते हैं, खास तौर से साइंस और यूरोप के वो नए उलूम जिनसे हिंदुस्तानी वाकिफ नहीं है यहाँ आम करना चाहते हैं। आप कहते हैं तो हम यकीन कर लेते हैं। पूर्णिया जी, इस सिलसिले में फादर मैडॉक को जो सहूलतें दरकार हों वो हुकूमत की जानिब से मुहैया कर दी जाए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मजहबी रवादारी और रोशन ख्याली की जैसी तारीफ सुनी थी आपको वैसा ही पाया। कभी कभी जरूर मिलते रहिए। इज्जत अफजाई के लिए मशकूर हूँ। खुदा हाफिज। पूर्णिया जी, गॉड ब्लेस यू माई सन। अल्लाह बड़ा करीम है, उस पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। अब तो वही कुछ करे तो करे, वरना बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि हुमेरा के अब्बा कर्ज छोड़ गए हैं। वो अदा करूं या हुमेरा के लिए जहेज जोड़ूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। सोच सोच कर परेशान हो रही हूं। अगर बुरा न मानो तो हुमेरा के अब्बा का कर्ज हम चुका दें। मेरी खाला अम्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मेरी शादी बिल्कुल इन्हीं हालात में हुई थी। ये तुम तीनों के पैदा होने से पहले की बात है। अच्छा, ये तो हमें मालूम ही नहीं हुआ। ये
कि हमारे अब्बा भी कर्जदार थे, और वो भी किसके? नवाब आबिद हुसैन के। उस जमाने में वो बहुत बड़े नवाब थे। उन्होंने अपने एक सालार को कर्ज वसूल करने के लिए भेजा। उन दिनों तरीका ये था कि कर्ज वसूल करने वाला वसूल किए बगैर जाता ही नहीं था। वो हमारे गांव पहुंचे तो उन्हें पता चला हमारे अब्बा तो जन्नत सुधार चुके थे। अब क्या करें? हालात से बेखबरी में मुझसे और मेरे साथियों से जो दुख के लिए आपसे मेरी इल्तिजा है, आप ये पैगाम इन तक पहुंचा दें कि अगर वो मुझे इस काबिल समझे तो अपनी दामादी में कबूल करके मेरी सरकार। फतेह मोहम्मद ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है, लड़का शरीफ है, मुइज़्ज़िन साहब और पुजारी जी ने देख और समझ लिया है, हमें भी पसंद है, लेकिन जिंदगी तुम्हें उसके साथ गुजारनी है, इसलिए बगैर तुम्हारी रजामंदी के हम जवाब नहीं दे सकते। आप माँ हैं, आपके कदमों के नीचे तो मेरी जन्नत है, मेरी राय आपसे अलग नहीं हो सकती, मगर जब आप पूछ ही रही हैं तो अपने हालात देखते हुए मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है। कहो बेटी। मेरा महर नक्द होगा और इतना होगा जितना मेरे बाबा जान का कर्जा है। मैं अपने बाबा का कर्ज चुकाए बगैर इस महल की दहलीज नहीं डाल सकती। फूलों की सेज पर बैठकर बाप की रूह को कर्ज के बोझ तले तड़पता नहीं देख सकती। तो जितना कर्ज था उसी के बराबर महर पर हमारी शादी हो गई। उल्फत जहां अगर कोई ऐसा मर्द मिल जाए जो कर्ज के बराबर महर अदा करने को तैयार हो जाए तो हुमैरा के हाथ पीले हो जाएंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा रास्ता बताया। सुल्तान, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए सुल्तान। तुमने 165 बेकसूर किसानों को अपने किले के तहखाने में बंद करके उन पर तरह तरह के जुल्म करके उन्हें कत्ल कर डाला और उनकी जमीनें जब्त कर ली। इसकी सजा से तुम बच नहीं सकते राजा पॉलिनूर। तुम एक नाअहल नाकारा राजा हो, तुम्हें न प्रजा की परवाह है न देश की, तुम्हें न अंग्रेजों के इरादों का पता है न अपने मुल्क की आजादी की तमन्ना, न अपनी इज्जत का ख्याल है न अपनी आबरू का। तुम जिंदगी के नाम पर थप्पा हो, एक इबरतनाक मौत के सजावार हो। इसको किले की फसील पर फांसी दे दी जाए ताकि इसकी प्रजा को देखकर अपने विचार की खुशियां मनाए।